मुरादाबाद पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा एक भड़कीला बयान दिया गया था जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था और समाचार एक्सप्रेस द्वारा प्रमुखता से दिखाया भी गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुरादाबाद में उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के चलते गल शहीद थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। जानकारी के अनुसार उन्होंने मोदी और शाह की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि कोई उनकी वफादारी पर सवाल उठाएगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अजीज कुरैशी द्वारा सीएए को संविधान विरोधी करार दिया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि सीएए वापस होकर रहेगा। व्हीलचेयर पर बैठकर सीएए के खिलाफ चल रहे धरने को संबोधित करते हुए 22 फरवरी को ईदगाह मैदान पहुंचे यूपी व उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मंच से खुलेआम आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर समाचार एक्सप्रेस द्वारा प्रमुखता से दिखाया भी गया था। अजीज कुरैशी ने भाषण देना शुरू किया तो पब्लिक की तालियों के बीच उनके बोल बिगड़ते ही चले गए। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि कोई हमारी वफादारी पर हाथ उठाएगा तो हम उसके हाथ काट देंगे। मन से मोदी और शाह को भी पूर्व राज्यपाल ने जमकर कोसा। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि इस लड़ाई को मोदी और शाह इसलिए अब तक हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई नहीं बना सके, क्योंकि इस लड़ाई में गैर मुस्लिम भी शरीक हुए हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि जब तक सीएए को सरकार वापस नहीं लेती तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ 145, 139, 143 व 188 धाराओं में मुरादाबाद के गहलीश थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार की फौजदारी, इस प्रकार की धंधा उनका सिविल फर्ज है, खेली फरी उनका खेली फरी जाए जाए। जहाँ सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान का है तो ये उसका शरीर फरीदा तो है ही, लेकिन साथ ही उसके उसका दिल ही फरीदा भी है। इस्लाम भगवान में यही है, यह छोड़ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो। इसलिए मैं तो तानी हूँ और मुसलमान हूँ, मेरा डबल फरीद है। तो ये बताइए अमित शाह और मोदी को कि हम अपने ईमान की रूप में, इस्लाम की रूप में, पैगम्बरों के बजाय रास्ते के रूप में सच्चे तो तानी है वफादार है, और हमारी वफादारी पर अगर कोई हाथ उठाएगा हम उस हाथ को काट के देख लेंगे। आवाज उठाएगा हमारे को दला के देख देंगे हमें, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने खून से बुल के चप्पे चप्पे को ललजार कर देंगे, फूल गिरा देंगे हमारे खून के फूल खुलेंगे हिंदुस्तान की तरफ के ऊपर। और अगर तुम्हें हिम्मत है तो चलो एक बंदूक तुम दो, एक बंदूक हमको दो, जाओ उम्र के सरों पर वादा करो पाकिस्तान का, हमको दो पाकिस्तान के अंदर की ताकत तो हमको, और हम पे भरोसा करो। और हम कहते हैं तुमसे एक आतंकवादी एक पाकिस्तान नहीं आ पाएगा अगर तुम मुसलमानों को जाके बड़ा कर दो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत से बोर्ड आएंगे, बहुत से गड़बड़े लेकर दिल बहुत से रोटे मिलेंगे आपको लाखों रुपए रिकॉर्ड करने के। मैं गवर्नर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, गवर्नर पहला से जी होता है अगर किसी लालच का। लखनऊ में गया, आप जैसे भाई मैंने बुलाया मुझे लखनऊ में गया, और वहाँ एक मेरे जुलूस की नजर की कैंडल मार्च मोमबत्ती का जुलूस चलाया था, बहुत ही निड़ी ना के मुझे मना किया पुलिस ने कि आप गैर कानूनी है, आप तो पहले से नहीं है मुल्क के देश के प्रदेश के मत कीजिए। मैं कहा मैं तो करूँगा, मुझे करना है करो, गैर कानूनी है। मैंने कहा गैर कानूनी है तो ठीक है, तो कानून से काम करो अपना आगे। चाहे वो लाठी चार्ज होगा, मैंने कहा लाठी चार्ज हो या गोली चले, पहली गोली के लिए अजीज कुरैशी का सीना गया। पहली गोली तो मुझे मारना पड़ेगी, बाद में जाओ मैं खवातीन के पास, मैं कहूंगा उस गोली को। उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे मना दिया, एफ आई आर मुकदमा दर्ज कर दिया, और बाद में माफी मांगी मगर अफसरों ने आगे चाहिए। हम भी उबर घूमता, हम तो मजबूर है, शर्मिंदा है, मैं तो अपने कोई शिकायत नहीं है।
कहने लगे साहब एक काम कर लीजिए आप, कोर्ट से जाके खत्म कर दीजिए इसको, हाई कोर्ट में। अच्छा, और मैंने कहा क्या, कहने लगे बेल ले लीजिए, ले लीजिए जमानत, एटी सेफ्टी बेल। मैंने कहा मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं जमानत दूंगा, मैं रहूंगा 3 दिन वो लखनऊ में, कल लोग गिरफ्तार हो चुका आप ही बताइए। और मैं कोने कोने गया, ये 22 फरवरी को ईदगाह मैदान में पूरे राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा यहाँ पे लोगों को संबोधित किया गया था। इसमें सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में जो खबरें आई थी कि इनके द्वारा आपत्तिजनक बातें कही गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग में प्रथम दृष्टया इन आरोपों की पुष्टि होते देख मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह में मुकदमा दर्ज हुआ? ये गलशहीद थाने में 25 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।